हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कबूतर के बच्चे को कैसे पालते हैं, उसे क्या खिलाते हैं, उसकी देखभाल कैसे करते हैं। अगर आप कबूतर पाल रहे हैं और वो कबूतर बच्चा लाए हैं तो आप उसको कैसे पालन पोषण करेंगे, इस वीडियो में बहुत अच्छे माध्यम से बताऊंगा। तो चलिए देखता हूँ मैं इस अपने कबूतर घर में और कबूतर के बच्चे को निकालता हूँ। अगर आपके पास भी कबूतर है और उस बच्चा है और कबूतर मान लीजिए कहीं चल जाता है या बिल्ली पकड़ के खा जाती है या कहीं कुछ चली जाती है, तो आप उसका देखभाल कैसे करेंगे, तो मैं इस वीडियो में बहुत अच्छे से बताऊंगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों देखिए, ये बच्चे को मैं निकालता हूँ। ये देखिए, ये देख लीजिए, एक यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, इसको मैं कैसे पालने का तरीका बताऊंगा, इसे क्या खिलाया जाए। ठीक है दोस्तों यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि इसे क्या खिलाया जाए जिससे मेरा बच्चा जो कबूतर है वो अच्छा रहे, हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे और ठीक ठाक रहे। तो सबसे पहले आप चना लीजिए, चने को कटोरी में उबाल दीजिए, जैसे कि मैंने अभी अभी उबाला, ये गर्म है, और इसी को आप इसे खिलाएं। तो इस चने को मैं इस गर्म पानी को निकाल देता हूँ ताकि ठंडा हो जाए। यहाँ पर मैंने गर्म पानी को निकाल दिया और अब मैं इसे खिलाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये इसे मैं खिलाता हूँ। तो ये जो चना देख रहे हैं यह बिल्कुल मुलायम सा हो गया, इसे मैंने उबाल दिया है, जिसके कारण यह देखिए दोस्तों इस तरह से हो जा रहा है। ठीक है, इसी तरह अभी चने को उबाल दीजिए और इस तरह कम से कम 15 मिनट इसे उबालिए ताकि यह गल जाए और यह पूरी अच्छे तरीके से पक जाए। ये देखिए दोस्तों, ठीक है, ऐसे ही इसे खिलाना है। तो मैं यहाँ पे खिलाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, यह बच्चा आपको कैसा लग रहा है ये कमेंट में ज़रूर बताइए। ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बच्चा है, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप मार्केट से कबूतर खरीद कर पोसने के लिए लाए हैं तो ऐसा कबूतर लाते हैं तो आप उसे कैसे रखें, देखभाल करें, कैसे खिलाएं, तो आपको यही करना है दोस्तों। चना को उबाल दीजिए और इसे बहुत अच्छे से गर्म पानी में उबालने के बाद यह अच्छे से पक जाता है और इसे आप खिला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं सभी को खिलाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों कैमरा तो मैं हाथ में लिया हूँ, खिलाने में थोड़ी परेशानी हो रही है पर मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप इसे इस तरह पकड़ लीजिए और इसे जैसे बचाना है इसे इस तरह छिप लीजिए। इस तरह का हो जाएगा, जब पूरा अच्छे ढंग से पक जाएगा तो यह ऐसा हो जाता है और इसे ऐसे करके खिलाइए। ये देखिए दोस्तों,
इस तरह खिलाइए। देखिए खा गया, इसी तरह यह पका हुआ है, ऐसे करके ये देखिए यह पका हुआ है, इसी तरह इसे खिलाएं। ये देखिए दोस्तों यह खा ले रहा है। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपका कबूतर मरेगा नहीं, बिल्कुल स्वस्थ रहेगा और जल्दी जल्दी बढ़ेगा। और ये देखिए दोस्तों बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। और अगर आप चावल ज़्यादा खिलाएंगे तो इसके पेट में चावल फूल जाता है और यह मर जाती है, इसीलिए आप इसे चावल बहुत हल्का मात्रा में खिलाएं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से चना लीजिए, इस तरह ऐसे इसे ऐसे चिप दीजिए, यह देखिए दोस्तों, और इसे खिलाइए, यह बिल्कुल अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, मैं सभी को खिला देता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये भी खा लिया, इससे भी थोड़ा खिला देता हूँ। इधर आ जाओ, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए ये चिपा हुआ है। ये देखिए दोस्तों ये भी खा लिया। इसी तरह आप अपने कबूतर को खिलाइए, आपका कबूतर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा और अच्छा रहेगा। ये देखिए दोस्तों इसी में ही चढ़ गया। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।